और अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 के बारे में, जहां पर आप जानेंगे आपके सब कॉन्शियस और मैरिटल प्रॉब्लम्स और खुशियों के बारे में। मतलब ये कि एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब फॉलो करता हूं जब अगले दिन मुझे कोई काम होता है और मुझे मन में डर रहता है कि मैं टाइम पर उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं दिमाग में सोचता रहता हूं और खुद को यकीन दिलाता हूं मैं सुबह टाइम पर उठ जाऊंगा और वो जो काम है उसे पूरा भी कर लूंगा और सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सोचता रहता हूं। जब तक मेरे सब कॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरह से बैठ नहीं जाती और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर उठ जाता हूं, बल्कि मैं कहूंगा कि मैं 10 या 15 मिनट पहले ही उठ जाता हूं और ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई है, एक बार भी नहीं। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और पता है कमाल की बात क्या है, इसके लिए आपको अलार्म क्लॉक भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूं सेफ इनसाइड, लेकिन मेरा सब कॉन्शियस माइंड मुझे इस बात में कभी भी धोखा नहीं देता। हमेशा अलार्म बजने से पहले उठ जाता हूं, जिससे पता चलता है कि सब कॉन्शियस माइंड में कितनी ज्यादा पावर है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज से या पैसे की मदद से नहीं होता। आप जागे हुए हो तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने सब कॉन्शियस की पावर को कभी भी अनदेखा ना करें। इससे न सिर्फ आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी। किसी के साथ जिंदगी भर का सफर निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। जब आप किसी से प्यार किए बगैर सिर्फ पैसा, पोजीशन या फिर अपने ईगो के लिए शादी करते हैं, तो ऐसा रिश्ता ना कभी भी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते, क्योंकि शादी का बंधन किसी भी चीज से ज्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए। जहां दोनों पार्टनर के दिल एक साथ धड़कते हों, जहां वो एक होकर जिंदगी के सफर में कदम रख सके। वैसे आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ही खुश नहीं हैं, तो अपने पार्टनर को आप कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अपने सब कॉन्शियस को यकीन दिलाए कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं, परफेक्ट हैं। तभी तो आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत ही बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सब कॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं, उसे पकड़कर मत बैठिए। मतलब कई लोग तो महीनों सालों तक एकदम दिल पर बोझा लिए बैठे रहते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखिए, ताकि आपका सब कॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखिए कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना बहुत ही कॉमन बात है, और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। अपने रिश्तेदारों के पास जाने से पहले उस इंसान के पास जाइए जो इसका एक्सपर्ट है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं क्या? नहीं ना। तो आपकी शादी भी आपके दांत के दर्द से कम जरूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय लीजिए। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी भी तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम को डिस्कस न करें। आपकी खुशियां सिर्फ आपके हाथ में हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी तो टूटने की कगार पर है, तो जानते हैं क्या होगा, एक दिन ये सच में टूट सकता है। कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सब कॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियां कहां से पाएंगे? अब सवाल यह है कि खुशियां कैसे चुनी जाएं? तो इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर
खुद से यही दोहराना है कि आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बेहतरीन है। जो भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 19 के बारे में, जहां आपका सब कॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर के बारे में आप जानेंगे। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के सिगमंड फ्रायड, जो कि साइको एनालिसिस के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि जब भी किसी को अंदर से प्यार नहीं होता ना, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे करके मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश कीजिए कि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। नफरत करने वाले इंसान का हाल वही है जो कि जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये एकदम पागलपन है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आए। ये जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों से कीजिए। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं यह सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के हाथ में नहीं। अब आप कहेंगे कि और हमें कोई बेवजह तंग कर रहा है तो क्या? तो जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो यह आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये भी सिर्फ आपके हाथ में है। अब आप चाहे तो उस बात से चिढ़कर के गुस्सा करके पूरा दिन खराब कर लीजिए, घर में सबका मूड खराब कर दीजिए, या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाइए, उन्हें माफ करना सीख जाइए। एक्चुअली में ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि लोगों को माफ करना दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के अगेंस्ट एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा शांति और सुकून से भर जाती है, और एक तरह से लोगों को माफ करके आप लाइफ को पे बैक भी करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सब कॉन्शियस भी कुछ इसी तरीके से आपको माफ करता है। कोई बात नहीं यार, हो गया जो हो गया, और फिर वह उस चोट को हील करता है, यानी कि उसे ठीक करता है। तो एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने अपने बच्चों के साथ कभी मुश्किल से ही टाइम बिताया था, तो हमारे लेखक ने उससे बात की और उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त न देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ करना सीखना होगा, तभी तो वह खुश रह पाएगा। हम इंसान न आदत से बहुत लाचार होते हैं, बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच में सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है, सिर्फ उसे चूज करने का। आप क्या चूज करते हैं यह आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी हैबिट अपनाएं या अच्छी हैबिट, यह सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर न करें, एडमिट करें कि वह आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वह मानते नहीं हैं कि वह शराबी है। पहली बात तो उन्हें यह मानने में शर्म आती है कि वह शराबी है और पछतावा होता है। फिर उनके ईगो को ठेस पहुंचती है, और रिजल्ट यही कि कभी भी वह इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो खुद की पीठ को थपथपाए, क्योंकि आपने आधा किला तो वहीं फतह कर लिया है। अब अपने सब कॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन करके तो देखिए। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची, हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से
वह 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज में जादू था, मगर उसकी नेगेटिव ख्याल उसके सब कॉन्शियस पर जमे हुए थे, और इसीलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वह डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वह बहुत ही कमाल का था। वह खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठ करके रिलैक्स होकर के वह अपनी आंखों को बंद कर लेती थी। फिर वह खुद में दोहराया करती कि उसके पास गजब की आवाज़ है, जिसकी बदौलत वह किसी का भी दिल जीत सकती है। वह खुद से 10-10 बार कहती थी कि अब उसे स्टेज पर डर नहीं लगता। तो जिस दिन उसका ऑडिशन था, उसके एक रात सोने से पहले उसने यह टेक्निक दोहराई, और कमाल की बात यह है कि यह टेक्निक काम कर गई। वह ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी और बहुत ही खूबसूरती से उसने गाना गाया और लोगों पर अपनी आवाज का जादू चला दिया। बस ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसी के साथ अब आगे आखिरी चैप्टर 20वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर जवान दिल कैसे बने रहे हमेशा, इसके बारे में आप जानेंगे। तो लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वह 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए यह जिंदगी और विसडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है, और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहे 65 से 95 साल की उम्र के। बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जीने मरने से और बूढ़ा होने से डर लगता है। उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं और वह उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसीलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सब कॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे सुनने के बाद अच्छा फील कर रहे हैं। और हां, जो कुछ भी आपने इस समरी से सीखा उसे अपने लाइफ में जरूर अपनाना, और इसी तरह के कॉन्टेंट आपके लिए आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहे। और अगर आपने द लर्निंग लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर।